नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सस्ता वाला आफ्टर शेविंग लोशन का फॉर्मूला। बहुत ही सस्ता फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जो कि आपके लोकल मार्केट से मिलने वाली चीज़ों से बन जाएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को दबा दें, ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इस फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि यह फॉर्मूला बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, जिसको आप सैलून में बेच सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको बेचने के लिए आपको सैलून का सामान बेचने वाले दुकानदार, कॉस्मेटिक शॉप तथा आप होलसेल में इसको सेल कर सकते हैं। इसमें जो सामान की जरूरत होगी वो है डिस्टिल वाटर, वाइट स्प्रे, DAP ऑयल, कलर आपको जो यूज़ करना है उस कलर को आप यूज कर सकते हैं। मैंने पीला कलर लिया है, वाटर सोलेबल परफ्यूम। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर जो फार्मूला मैंने बताया है वो बिल्कुल टेस्टेड है, रियल फार्मूला है, जो कि मार्केट में सैलून के अंदर जो बिक रहा है वही फार्मूला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। मैंने इसके अंदर 300 ml डिस्टिल वाटर लिया हुआ है। टोटल हम 400 से 450 ml शेविंग लोशन बनाएंगे। मैं इसका आपको कॉस्ट भी बताऊंगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने एक भी सेकंड का वीडियो मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर आपको रियल जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, मैंने इसमें 300 ml डिस्टिल वाटर लिया हुआ है। डिस्टिल वाटर आपको आपके लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, पानी फिल्टर करने वालों के मिल जाएगा, या जो बैटरी बनाने वालों हैं उनको जो पानी सप्लाई देते हैं वही पानी ये डिस्टिल वाटर होता है जो बैटरी के अंदर डलता है। ठीक है, तो आपके लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। दूसरा है स्प्रेट, ये वाइट स्प्रेट है, ये भी आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 40 से 50 रुपये लीटर होगा, आपके मार्केट के हिसाब से इसकी आपको रेट मिलेगी। इसका लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसके ओरिजिनलिटी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बहुत ही ठंडा होता है। दूसरा, इसके अंदर किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें जो स्प्रिट लेना है उसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होना चाहिए। तीसरा है DAP ऑयल प्रिजर्वेटिव के काम में आता है। ठीक है, यह भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आपके आसपास के किसी भी और मार्केट में आपको मिल जाएगा। यह अगरबत्ती बनाने के लिए काम में आता है, इसका काम प्रिजर्वेटिव के लिए होता है। और दूसरा काम होता है इसका स्मेल को रोके रखना। तीसरा है हमें कलर, मैं यहाँ पीला कलर ले रहा हूँ, वाटर सोलेबल कलर होना चाहिए, आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। चौथा है परफ्यूम, ध्यान रखना है हमें दोस्तों, आपको परफ्यूम बढ़िया से बढ़िया कंपनी का ही लेना है और परफ्यूम वाटर सोलेबल ही होना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि परफ्यूम वाटर सोलेबल पानी में घुलने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसमें 300 ml मैंने डिस्टिल वाटर लिया, इसमें मैंने 100 ग्राम स्प्रिट डाला, 100 ग्राम स्प्रिट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। गौर से देखना दोस्तों, अभी करीब 400 ml इसकी क्वांटिटी हो गई। इसको साइड से रख देता हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे DAP ऑयल में टोटल माल का हमें 1% डालना है। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। मैंने DAP ऑयल डाल दिया। DAP ऑयल डालने से आपका शेविंग लोशन 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें कलर डालूँगा, आप चाहो तो कलर डाल सकते हैं, चाहो तो नहीं भी डाल सकते। कलर ध्यान रखना है दोस्तों, हल्का सा डालना है, ज़्यादा कलर नहीं हमें डालना है। मैंने इसमें येलो कलर डाला, 1 ड्रॉप डाला है सिर्फ, इसको भी साइड से रख देते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगा परफ्यूम,
परफ्यूम आप अपनी कॉस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि सबसे महंगा आइटम इसमें सिर्फ परफ्यूम ही है, तो आपको कॉस्ट अपना कैलकुलेट करना है, जितना आपको कॉस्ट रखना है उसी हिसाब से आपको परफ्यूम डालना है। वैसे को शेविंग लोशन के अंदर परफ्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है शेविंग लोशन को। आपने भी यूज़ किया होगा, आपने भी देखा होगा शेविंग कराने के बाद, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप देखेंगे इसमें हल्का सा झाग बनेगा, जो कि घंटा आधा घंटा बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारा शेविंग लोशन तैयार हो गया, सॉरी आफ्टर शेव लोशन तैयार हो गया। ठीक है, जिन लोगों को आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोग इसकी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दूसरा, अभी तक आप चैनल पर नए हैं अगर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही नई नई वीडियो इसके अंदर आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।